मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज पहली बार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। उनके कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। आज की कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत करने के फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 3 प्रस्ताव पारित हुआ। बजट सत्र 9 फरवरी को विलोपित किया, 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। उसी दिन सत्ता पक्ष अपना फ्लोर टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। अचल झारखंड विधानसभा के चतुर्दश सत्र दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया। बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश सरकार को दिया गया था, जिसे 5 फरवरी को ही पूरा कर लिया जाएगा। राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाया गया। बताते चलें कि फिलहाल गठबंधन की सरकार 47 विधायकों का दावा कर रही है, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर 43 विधायकों की है। झारखंड विधानसभा 81 सीटों वाली है। बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष को 41 विधायकों की जरूरत है। ये हमारे गठबंधन का उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना देखने का काम करेंगे। आज पहला हमला का है, पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट के हम लोग जनी हमको 59 विधानसभा आउट था 9 तारीख से उसको विलोप करके नया से हम लोग पॉलिटिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर उनका कामकाज के फ्रेम में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया है हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है हेमंत सोरेन ने, दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा। इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट क्रमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।